लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। प्लीज मुझे कुछ मत कीजिए, नहीं मुझे छोड़ दीजिए। हम ड्राइविंग कर रहे हैं, चुप। बस लेफ्ट लेफ्ट, बस राइट, थोड़ा राइट। बस डेट 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 ब्रेक ब्रेक। कंट्रोल कंट्रोल योर पोजीशन कंट्रोल। हरामजादे, तेरी इतनी हिम्मत, मेरी महबूबा की कमर में हाथ डालता है, है? उतर नीचे, उतर 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 साले जाड़िए, उतर उतर नीचे। ओ, ये पागल क्या कर रहा है? तुमने उससे कहा क्यों नहीं कि तुम मेरी हो? आई लव यू चित्रा, I love you. Hey, तुम लोग सब कान खोल कर सुन लो, चित्रा तुम लोगों की बहन हो सकती है, बीवी नहीं। बीवी वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। पागलपन कर रहा है ये, देखिए ना। लो बापू आए। बीमा नीचे आ जा, बदकिस्मती से तेरा बापू। और सुनो, अगर मेरी चित्रा पे लाइन मारने की कोशिश की ना तो ठीक नहीं होगा। अरे बेटा, मैं तो तेरी लाइन साफ करने आया हूँ, तेरी और चित्रा की शादी की लाइन। आजा बेटा, आजा नीचे आजा। वादा? हाँ हाँ, वादा 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 वादा। आया आया। बासू? यस बासू। अपनी मैडम की तस्वीर उखाड़ के घर ले आना, वरना हर आता जाता आंख मारेगा। यस बॉस, यस बॉस। हाँ चल। हे भगवान, कौन सी मनहूस घड़ी में तूने ये नमूना पैदा किया? हाँ हिलो मत, वहाँ शादी वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। करने दो इंतजार। मेरी सहेली नशिका, उसकी मम्मी उसकी छुट्टी बनाते, अगर मेरी मम्मी होते तो मेरी भी छुट्टी बना देते। मम्मी नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना, आज से मैं ही तेरी छोटी बनाया करूँगा। तू मुझे ही अपना भाई समझ और मुझे ही अपनी माँ। देख, अपने होने वाले सास ससुर के सामने सिर झुकाकर बैठना, शादी के मंडप में आंखें नीचे करके, और शादी के बाद सुहागन की तरह घर की चार दीवारी में रहना। भैया, वो लोग सुधा को जल्दी लाने को कह रहे हैं। हाँ हाँ। कैसे हो अनिल?
संगीत सीखा है बेटी? जी, इंसान के चाहने से सब कुछ नहीं हो जाता। दो वक्त की रोटी जुटाने में इतना वक्त गुजर गया कि संगीत सिखाने का मौका ही नहीं मिला। नहीं सीखा तो कोई बात नहीं, एक 2-in-1 खरीद दीजिएगा, मेरा बेटा गाना सुन सुन कर सिखा देगा। खरीद दूंगा। कथक वगैरह कुछ सीखा है बेटी? जी वो क्या है कि दो वक्त की रोटी जुटाने में इतना वक्त लग गया कि बहन को कथक सिखाने का मौका ही नहीं मिला, यही कहना चाहते हैं ना आप? कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, एक VCR और एक कलर टेलीविजन खरीद दीजिए, हमारा बेटा डांस देखकर आपकी बहन को डांस करना सिखा देगा। जी खरीद दूंगा। ये हुई ना बात। हमें आपकी बहन पसंद है। और बहन के लिए अपनी जान भी दे देने वाला आपका गुण वाकई हमें बहुत पसंद है। वो तो ठीक है मगर बेटे अनिल को जरा अपना घर दिखा दो। जाओ। कहिए। देखिए ऐसा है भाई के अगर आप 3 लाख रुपए कैश दें तो ये शादी पक्की समझिए। जी 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 ठीक है, अपनी बहन की खुशी के लिए आप लोगों की सारी मांगे पूरी कर दूंगा। अरे बेटे अनिल। अच्छा अनिल बेटे, मैं चलता हूँ। चलो बेटे चलते हैं। चलिए। अच्छा भाई नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। चलो शांति। अच्छा नमस्ते। भैया इतने सारे पैसे? मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, आपको जो कुछ कहना है बाद में कहिए, पहले मेरी बात सुनिए। बड़े अरसे से दिली ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी की शादी आपके भाई विशाल से हो जाए जो IAS की ट्रेनिंग कर रहा है, क्या ख्याल है आपका? जी मुझे नहीं मालूम था कि मेरा भाई इतना खुशकिस्मत है। खुशकिस्मत आपका भाई नहीं, खुशकिस्मत तो मेरी बेटी है जो आपने फौरन हाँ कर दी, लेकिन एक बार अपने भाई से जरूर पूछ लीजिएगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है सर जी, मुझे अपने भाई पर पूरा भरोसा है, वो अपना सर कटा देगा लेकिन मेरी जुबान कभी नहीं कटने देगा। तो फिर देर किस बात की है, कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लेते हैं। ठीक है सर जी, अच्छा मैं अब चलता हूँ। अरे ये क्या, आपने तो कहा था कि आपको मुझसे कुछ काम है, काम बताए बगैर ही चल दिए? जी जिस काम के लिए आया था वो आप बता नहीं सकता, आपको मेरी ईमानदारी पर शक हो जाएगा। विजय अब हम सिर्फ दोस्त ही नहीं रिश्तेदार हो गए हैं, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं समझूंगा कि। जी जी ऐसी कोई बात नहीं है, वो यह है कि मेरी बहन की शादी तय हो गई है। अरे भाई ये तो खुशी की बात है। जी और उस शादी के खर्च के लिए मुझे 5 लाख रुपए चाहिए जो मैं आपसे कर्ज मांगने आया था, लेकिन। समझ गया, तुम इस बात से डर रहे हो कि मैं ये ना समझ बैठूं कि तुम कर्ज नहीं अपने भाई के लिए दहेज मांग रहे हो। देखो विजय ये मेरी जायदाद, ये दौलत सब कुछ मेरी इकलौती बेटी की है, मेरी बेटी की दौलत यानी कि तुम्हारे भाई की दौलत, अपनी ही तिजोरी से पैसे लेना कोई चोरी तो है नहीं। ठहरो मैं अभी आता हूं। विशाल, ओ विशाल, अरे विशाल कहाँ है? छोटे भैया आपका इंतजार करके ट्रेनिंग कैंप के लिए निकल गए, अब तक तो रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए होंगे। अरे रे रे रे, मैं उसे खुशखबरी देना चाहता था। ठीक है आने के बाद दे देंगे, इसे संभाल कर रख। अच्छा सुधा कहाँ जा रही हो? घर। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं मैं चली जाऊंगी। अरे बाबा तुम्हारे पांव थक जाएंगे, मैं तुम्हें स्कूटर पर छोड़ दूंगा। शादी से पहले लोग देख रहे हैं ना? लोग तो अभी भी देख रहे हैं और ऐसे भी सब जानते हैं कि हम दोनों शादी करने वाले हैं। आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। पकड़ लो मुझे नहीं तो गिर जाओगी। नहीं
ठीक है। भैया। अरे विशाल। ओ भैया भैया, तू एकदम सही वक्त पर आ गया। भैया मैं तो वक्त चुनकर आया था, लेकिन यहाँ के देख रहा हूँ कि आप लोग सारी तैयारी कर चुके हैं। यू टू गुड भैया, मुन्नी और मैं आपके पाँव धोकर पीते रहना सारी जिंदगी, फिर भी आपका ऐसा नहीं चुका सकते। अरे नहीं नहीं। अरे हाँ भैया, बचपन से लेकर आज तक आपने कभी हमें किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने दी। इतने प्यार से पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, हमें कभी अपने माँ बाप की कमी नहीं महसूस हुई। और आज देखिए, अब मुन्नी की शादी भी करवा रहे हैं। मुन्नी की शादी मैं नहीं, तू करवा रहा है। हाँ, मैं कैसे करवा रहा हूँ? विशाल, मैंने तेरी भी शादी तय कर दी है, और ये शादी मैं तेरे होने वाले ससुर के दिए हुए पैसों से ही करवा रहा हूँ। मेरी शादी? मुझसे पूछे बगैर मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर लिया आपने? विशाल, सॉरी भैया, मैं ये शादी नहीं कर सकता। आप फौरन इस रिश्ते को ना कर दीजिए। अरे नहीं भाई, मैं लक्ष्मी नारायण जी को जबान दे चुका हूँ। जबान दे चुके हैं या मुझे बेच चुके हैं? अरे नहीं भाई, मैंने बेचा नहीं, मैंने सुधा के लिए खुशियां खरीदी है। तू एक बार ठंडे दिमाग से सोच कि तेरे ना कहने से सुधा का घर बसने से उजड़ ना जाए। लेकिन भैया, इतना बड़ा फैसला करने से पहले एक बार मुझसे पूछा तो होता। नरफोरदार, क्या पूछता तुमसे? क्या पूछता? ये कहता कि हमारा बाप मर गया है, हम दोनों यतीम हो गए हैं, तुम्हें गली में सड़ने के लिए कहीं फेंक दूं या तेरी देखभाल करूं? तुझे पढ़ाने लिखाने के लिए पूछता? अरे तुझसे ये पूछता कि तुझे यूं पाल पोस कर इस काबिल बना दूं कि तुम उससे सवाल जवाब करे? चाचा, तुझे शर्म नहीं आई? ना शुक्रे एहसान फरामोश। चाचा, ये हरकत करने से पहले तेरी जबान कट क्यों नहीं गई? रहमत मियां, आप कौन होते हमारे बीच में दखल देने वाले? आपका और हमारा तो कोई रिश्ता तक नहीं। मेरे अजीज, तू जैसे इंसान के साथ रिश्ता मेरा हो भी कह सकता है? जो अपने फरिश्ते जैसे बड़े भाई को अपना बड़ा भाई ना समझे, वो मेरा क्या होगा? क्यों बेटा, अब याद आई मेरी बात? हजार बार कहता था कि बेटा अपनी कुछ सोच, अपनी भी कुछ सोच, पर तूने एक बार नहीं सुनी। अब भुगत तू। भैया, आप लक्ष्मी नारायण जी से कह दो कि मैं उनकी बेटी के साथ शादी इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूं। हाँ हाँ, जरूर कीजिए, जिससे जी चाहे शादी कीजिए, लेकिन उससे पहले मेरे 5,00,000 रुपए लौटा दो। सर जी, वो रकम मैंने लड़के वालों को दे दी है, आपकी रकम मैं जल्द ही लौटा दूंगा। ये सब नहीं चलेगा विजय, अगर तुम मेरी रकम फौरन नहीं लौटाते तो मैं खुद जाकर लड़के वालों से मांग लूंगा। तुम दोनों ने मिलकर अच्छा नाटक किया, सोचा भाई की शादी का ढोंग करके पहले पैसे ऐंठ लेंगे, बाद में ठेंगा दिखा देंगे। अपनी जबान को लगाम दीजिए लक्ष्मी नारायण जी। इतना गुरूर है तो मेरे पैसे लौटा दो। ठीक है, 24 घंटे के अंदर आपके पैसे मिल जाएंगे, आप जा सकते हैं। सर जी, मुझे 5,00,000 रुपया चाहिए। 5,00,000? हाँ सर जी, आप चाहे तो मेरी रोजी रोटी ये ऑटो गिरवी रख सकते हैं। पर भाया, तेरी ये रोजी रोटी पर कुल 25,000 ही मिल सके। सर जी, मेरी मदद कीजिए, मेरी बहन की शादी है। पर भाया, इतनी बड़ी रकम दूं किस चीज पे? अस्सलाम वालेकुम सेठ जी। आओ भाइयों, आओ आओ आओ, आ जाओ, जरा बाहर तशरीफ लाइए और देखिए। सेठ जी, ये सब रिक्शे हाजिर हैं गिरवी रखने के लिए। अब तो हमारे विजय को रकम मिल जाएगी ना, अगर कम पड़ेंगे तो और पेश कर देंगे, हम अपने विजय के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आया, जिसके इतने सारे चाहने वाले हो उसे मैं तो के भगवान भी मना कहीं ना कर सके। मने तेरे होते ऑटो गिरवी रखने की जरूरत कहीं नहीं। मने खरे आदमी और खोटे सिक्के की बड़ी पहचान है, मैं पैसा दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरी।